गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको ग्रामर के बारे में बता रहे हैं। ग्रामर में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कर चुके हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आशय होता है पूर्व वर्तमान काल। अपूर्व वर्तमान काल किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में बताते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य पूरा हो जाए तो उसे, और वह कार्य वर्तमान में हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, आदि आते हैं, यही इसकी पहचान है। अगर किसी वाक्य के अंत में इस तरह से अंतिम शब्द आए हुए हैं तो यह मान लेना चाहिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे वह अपने घर जा चुका है, तुम पत्र लिख चुके हो, अब लास्ट में जिसमें चुका है इसमें चुके हैं आगे, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसके अनुवाद करने का नियम, पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्प या है लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब लिखते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका है, अब इसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह अंग्रेजी ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज क्योंकि वह एक वचन है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन लिखेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर है। तो इसका अनुवाद हो गया वह पत्र लिख चुका है, इसका अनुवाद हुआ ही है रिटन ए लेटर। दूसरा है तुम उसे पढ़ा चुके हो, अब इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम के अंग्रेजी यू हुआ, यू बहुवचन है इसलिए इसके साथ अंतिम वर्ब है लगेगा, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसका अनुवाद हुआ यू हैव टॉट हिम, यू हैव टॉट हिम हुआ। अगला, मैंने उसे अपनी कलम दे दिया है, मैंने उसे अपनी कलम दे दिया है, और इसका अनुवाद हुआ सब्जेक्ट आई हुआ मैं, फिर आई के साथ हैव लगा, देना का गिवन हुआ थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म हुआ, अपनी का उसे का ही हुआ, इसके बाद अपनी कलम का माई पेन हुआ, इस तरह से हुआ आई हैव गिवन हिम माई पेन। अगला है राधा भोजन पका चुकी है, अब राधा सब्जेक्ट है, राधा ये वचन है इसलिए हैज लगा, राधा हैज भोजन पकाना के कुक होता, कुक का थर्ड फॉर्म कुक हुआ और भोजन का फूड हुआ, राधा हैज कुक्ड फूड हुआ। अगला है शीला घर जा चुकी है, अब सब्जेक्ट शीला है, शीला हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैज हुआ, शीला हैज जाना का गो होता है और गो का थर्ड फॉर्म गान हुआ और घर का होम हुआ, तो इसका अनुवाद हुआ शीला हैज गॉन टू होम, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस।